दंतेवाड़ा में आदिवासी जेल में बंद कैदियों की रिहाई के लिए लामबंद होने जा रहा है। कल प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोई को पुलिस ने कुछ धाराओं के तहत पालनार में अरेस्ट किया था, मगर इतने हंगामे के बाद भी आदिवासी ग्रामीण पालनार गांव में मौजूद हैं और इसी आंदोलन में बेला भाटिया और सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ने आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर खास चर्चा की। बंद बंदियों की रिहाई के लिए दंतेवाड़ा जिले में कल पालनार क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था, जिसे आंदोलन के लिए जो ग्रामीण आए थे वो अब भी यहाँ पर मैदान पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे सरकार में पूरी नहीं होती है हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी के साथ बेला भाटिया जी भी मौजूद है। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि कौन सी ऐसी मांगे हैं यहाँ पर बस्तर में ग्रामीणों की जिनको लेकर के ये आंदोलन चल रहा है। सोनी जी बताएंगे कि कल क्या हुआ था यहाँ पर, आंदोलन क्यों स्थगित हो गया था? देखिए ऐसे आंदोलन हर बार होता रहा है और हम तो 4 तारीख को लेटर दे बारो पेपरों में भी यही अभिषेक पल्लव कह रहे हैं, प्रशासन ही कह रहे हैं कि हमारे से अनुमति नहीं ली, जबकि हमने सूचना दिया है। सूचना देने के बावजूद भी अनुमति नहीं देने वाली लेटर अभी तक मुझे नहीं दिया गया है और मुझे ही अरेस्ट करके मुझे ही जमानत लेनी पड़ी, इसलिए क्योंकि इस आंदोलन में जो ग्रामीण आए हैं उनकी डिमांड थी कि वो जब तक आएगी नहीं तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। वो जब मेरे पास एक खबर है तो हमने जमानत तो ले लिया। अभी आंदोलन यहाँ से मतलब स्टार्ट होगा ना, चलेगा ना? ये आंदोलन तो अब चलेगी, ये आंदोलन रुकने वाली नहीं है क्योंकि ये आंदोलन जायज है, क्योंकि उनकी मांगे हैं हमारी भी मांगे हैं। जेलों में जो बंद है इतने सालों से बंद है उनको रिहा किया जाए, सरकार ने जो वादा किया है हमारे आदिवासी को रिहा करने की वो उनकी मांगे पूरी करे। जो बेला भाटिया भी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि ये जो आंदोलन है कि इनके आंदोलन में क्या इनकी डिमांड है जो ये सरकार के सामने रखना चाहते हैं और कब मतलब क्या लगता है कि सरकार इनके आंदोलन को कितना सपोर्ट कर रही है? देखिए अभी तक तो सरकार के द्वारा कुछ भी कोई भी सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये तो आंदोलन की शुरुआत थी, इसमें सूचना दी गई और पूरे देश भर में इस तरह का आंदोलन जब जब होता है सभी जगह लोग सूचना देते हैं, अनुमति नहीं मांगते हैं। अगर अनुमति मांगेंगे और सरकार बोल देंगे हम अनुमति नहीं देंगे तो क्या इसका मतलब है आंदोलन रुक जाएगा? क्या लोगों के जो भी मुद्दे थे क्या वो सुलझ जाएंगे? नहीं सुलझेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है अभी तक तो कोई भी सपोर्ट सरकार का दिखता नहीं है। क्या ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र में लोगों को अपने अधिकार पर लड़ने का जो पूरा ये राइट है ये हमारी कानूनी व्यवस्था ने हमें दिया है, मगर यही सरकार एक तरह से उसी कानून का दुरुपयोग करके लोगों का अधिकार उनसे छीनती है। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटी और सोनी सोरी जी जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि लोकतंत्र को कुचल करके यहाँ पर जो प्रशासन है वो इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है और अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन का क्या निर्णय निकल करके आता है। पंकज सिंह भदौरिया, स्वराज एक्सप्रेस, पालना। जबलपुर में स्थित